एक कहावत है, कहते हैं कि ये रामबाण औषधि है। इस सीरीज को, इस वीडियोस को और इस इंटरेक्शन को बनाने का पूरा मेन मकसद ही यही है कि हम दो अलग अलग वर्ल्ड जो कि एक शहरों में है, गांव में है, उन दोनों को पास लाएं, उनके बीच का जो गैप है वो मिनिमाइज किया जाए। बिकॉज शेयरिंग ही केयरिंग है, हर सेगमेंट में लोग इन सबको जानते हैं, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है जो शेयर नहीं होती है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। आपको दोनों का पहले एक इंट्रोडक्शन दे दूं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था इससे पहले, सर जो कि सर और मैडम ने हमको काफ़ी मतलब राह दिखाते हैं, काफ़ी बताते हैं, काफ़ी सिखाते हैं, इनसे काफ़ी सीखते हैं हम, तो हमारे लिए तो काफ़ी वो मतलब एक रिस्पेक्टेबल फिगर हैं, काफ़ी उनसे हम बहुत सीखते हैं। तो आज हमने उनको स्पेशली इनवाइट किया था कि आपसे कुछ बात करेंगे। और देखो सर लोग और मैम ने टाइम भी निकाला आज हम लोगों के लिए। और मैडम भवान जी जो हैं वो ये फार्मर हैं, ये फार्मिंग करते हैं, और इनसे मिलाने का एक ये अच्छा ये है कि ये एक उत्तराखंड की जो सबसे सबसे ऊपर का विलेज है मुनशारी, ये वहाँ से आते हैं, अभी नीचे आए हुए हैं लेकिन ये ट्रेडिशनली वहाँ से हैं, जहाँ पे हम पहले बोलते ना कीड़ा जड़ी मिलती है एक ऊपर एकदम टॉप ऑफ हिमालय, ये वहाँ से हैं। तो जब हमने बताया आप लोगों के बारे में तो इन्होंने कहा कि हम उन लोग सर और मैडम को एक अपनी ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाना सिखाएंगे, एक बहुत ही ओल्ड ओल्ड स्कूल तरीका है और कुछ शायद औषधि भी है, मैंने भी नहीं देखी है। तो ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन करना चाह रहा था मैं। अब आप कुछ अपने बारे में बता दीजिए और भुवन जी कुछ अपने बारे में बताएंगे एंड देन फिर हम शुरू करते हैं। नाम तो हमने वैसे कुछ रखा नहीं है, खाली हम लोग जूस के ही नाम से जानते हैं। इसमें कुछ हमारे यहाँ की प्रॉपर जड़ी बूटी है वो भी डाला जाता है इसमें, और दिखाएंगे आपको हम, ये जड़ी बूटी है, इसको हमारे सिर्फ मुनशारी क्षेत्र में ही मिलेगा, वो भी कहीं जंगलों में जाके बहुत क्या, दूर जाके। क्या नाम बताया आपने? एक गंधराणी और चीपी, और चीपी जड़ होता है किसी घास का जड़ होता है। अच्छा जड़ होता है, ओके। खाने में टेस्ट कुछ और ही होता है। ओके ओके, तो ये शरीर को गर्मी देता है? हाँ, ये पेट के लिए मतलब जो कब्ज या कहीं काफी लाभदायक होता है। अच्छा अच्छा, तो ये वहाँ के हर घर में बनता है या आप स्पेशली बनाते हैं? मतलब 50 घरों में 2-4 घर ही जाते हैं जो इनको ढूंढने के लिए, वहाँ हर किसी के पास नहीं मिलता है। भगवान जी, इसको बनाने के बाद कितने दिन रख सकते हैं ये? 10 साल 2 साल कभी भी। अच्छा। जूस तो इसका पीने के लिए बनाते हैं लेकिन ये जो लकड़ी दिखा ये आप 10 साल भी रख सकते हो। नहीं, जूस बनाया जो हमने, मान लीजिए आपने जूस बनाया तो जूस कितने दिन तक ठीक रहता है? जूस तो सिर्फ बस बनाओ और पियो। अच्छा अच्छा, फ्रेश है? अच्छा फ्रेश बनाते हैं, ठीक है। आप बना के बताइए हमें कैसे बनाते हैं। एलोवेरा लिया सर हमने, एलोवेरा काट के। एलोवेरा, ओके। तो एलोवेरा भी वहां आपके यहाँ खूब मिल जाता है? हाँ जी, एलोवेरा लगाते हैं हम, घर घर में लगाते हैं एलोवेरा को। अच्छा, इसका गूदा निकालना है हमें जी, इसको हम इसे सांबे के इसमें निकालते हैं, इसका अंदर का मसाला जितना भी है, मसाला जो है। हाँ हाँ, तो इसको कितना लगभग कितनी मात्रा में लेना चाहिए? मैडम जी, जैसे एलोवेरा के हिसाब से डिपेंड करता है कि एलोवेरा आपका बड़ा है तो 1 गिलास बन जाएगा, और छोटा छोटा एलोवेरा है तो 2 एलोवेरा ले लो। और जैसे इसको दवा की तरीके से अगर यूज करते हैं तो कितनी मात्रा में लेना चाहिए पीने के लिए? 1 गिलास तौर पर तो सिर्फ ये जड़ी बूटी है, ये सिर्फ चबाने से भी काम आ जाता है। अच्छा। पेट में उसके लिए भी काम करता है, तो इसका जूस अच्छे लोग हमारे यहाँ बना बना के पीते हैं। ओके। तो हमने इसको फेंट दिया इसमें तांबे के, इसमें थोड़ा तोड़ के इसको हम इसमें गर्म पानी में रखेंगे चूल्हे में। जी जी। और उसके साथ नींबू का छिलका भी डाल रखा है हमने। नींबू का छिलका जी। हाँ जी। आधा लीटर पानी डाला, छोटे
छोटे से पीस में आधा लीटर कम से कम पानी डाल के एक ग्लास कम से कम एक एलोवेरा के साथ। अच्छा एलोवेरा को बॉयल नहीं करते हैं जी। अच्छा अच्छा इसको बॉयल करने के बाद उसमें डाल देंगे। सिर्फ केवल इसको उबालना पड़ता है 10 या 15 मिनट, इसका जब कलर छोड़ने लग जाएगा तो निकाल दो आप। तो मैम जो ये गंधरेन जो से बचपन से अगर जैसे किसी भी पहाड़ों के हमारे घर में पेट में दर्द होता था, एसिडिटी होती है, मतलब स्टमक रिलेटेड एनीथिंग, अच्छा ये ऑलमोस्ट लाइक रामबाण है। तो बचपन में किसी पहाड़ी जो जानते हैं इन चीजों को, उन्होंने कभी कोई दवाई नहीं खाते थे हम पेट के लिए, हमने जिंदगी में नहीं खाई है। अच्छा। ये जड़ जैसी होती है, आप दांत में दवा लीजिए तो आपका मतलब पेट तो कभी बेकार हो ही नहीं सकता। एक रिस्ट्रिक्टेड हर्ब है जो कि बाहर नहीं आती है, आप इसको उत्तराखंड से बाहर नहीं ला सकते। ऐसे ही 7-8 हर्ब हैं, तो हमने उनका नवरत्न ऑफ उत्तराखंड रखा है नाम। उन सब से मिला के हम लोग एक एक बहुत ही बहुत पुरानी स्टाइल ऑफ ड्रिंक है, उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट के सेल्स में उसको कन्वर्ट कर पाए तो ऑफकोर्स इन चीज़ों के लिए आगे वी विल ट्राई कि हम उसको कैसे अपलिफ्ट कर पाएँ। और जिस जगह पर अगर ये हो गया तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। हम जब आएंगे ना तो भगवान जी आपको एक काम करना है। हाँ जी। जब मैं अगली बार आपके गांव आऊंगा, आपसे मिलूंगा, तो आप ना मुझे कुछ 500-600 ग्राम दीजिएगा ये गंधरेनी, और मैं सर मैडम के लिए लेना चाहूंगा कि वो उनको दिखाऊं। और इसके अलावा जम्मू होता है जो आप लोगों के वहाँ 3-4 तरह की जो औषधियां है ना, जम्मू हो गया, गंधरेनी हो गया, इन सब आप एक बना के रखिएगा पोटली। तो मैं आऊंगा और एक बार सर मैडम को दिखाऊंगा, और फिर शायद इसके ऊपर कुछ काम भी कर सके हम लोग। ठीक है जी, ठीक है मैडम जी, तैयार हो गया है। 10 से 15 मिनट ये उबाला, ये इस टाइप का कलर आएगा इससे। अच्छा अच्छा, इसके इसमें पुदीना डाल सकते हैं, पुदीना डाल। अच्छा, तो जैसे ये अभी तो गर्म है, ये ठंडा हो जाएगा, तो हम इसमें एलोवेरा में मिक्स कर देंगे इसको। अच्छा हाँ जी, बना के नहीं रह सकते हम इसको, बनाया और पी के चले गए रेडी टू ड्रिंक। ठीक ठीक ठीक, इसका ड्रिंक का नाम क्या होगा? ड्रिंक का तो कोई नाम ही नहीं है, कुछ नाम सोच के रखिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है ये। मैम आप और सही कोई नाम रख दीजिए इसका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भवन जी, बहुत अच्छा। अब आपके गांव आएंगे हम लोग मुंशियारी। तो भगवान जी, अब इस ड्रिंक का नाम सर और मैडम सोच के बता देंगे आपको, आपसे उस ड्रिंक को वही बोलना आप जो इनाम आएगा, ठीक है? देखो सिलेबल तो बाद की बात है, बाद में सोचेंगे, बट हम लोग क्या, एक कहावत है, कहते हैं कि ये रामबाण औषधि है। जैसे सागर ने कहा था ना कि पेट की कोई भी चीज हो, ये सबके लिए है, तो रामबाण है, मतलब कि एक चीज ली आपने और सारी बीमारियां खत्म। और अच्छा है ना, आप लोग बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से बना रहे हैं, आग से तांबे का लोटा यूज कर रहे हैं। चेयर्स चेयर्स भगवान जी। भगवान जी कभी दिल्ली आइए तो हम लोगों से मिलिएगा, अच्छा लगेगा मिलके आपसे। तो मैं पपीते की आपको एक बताती हूँ, बहुत रेडीमेड, बहुत जैसे आपने RTD सिखाई ना, रेडी टू ड्रिंक, तुरंत पीने वाली जो आपने ड्रिंक बनाई, वैसे ही हम पपीते की एक अचार टाइप की सब्जी आपको बताते हैं जो बहुत जल्दी बन जाती है। कच्चा पपीता, हरा वाला पपीता होता है। हाँ जी, हाँ जी। हरा पपीते को आप ढंग से धो लीजिए। हाँ जी। धोने के बाद ऊपर और नीचे का छोटा छोटा काट दीजिए, अलग कर दीजिए, ठीक है? और हाँ, उसके बाद पपीते को आप कद्दूकस ना उसमें घिस लीजिए आप, ठीक है? उसको साइड में रख दीजिए, कढ़ाई चढ़ाइए, कढ़ाई को तेज गरम कर लीजिए। जब तेल गरम हो जाए तो थोड़ी सी हींग और राई डालिए, और जब राई चटकने लगे जरा सी हल्दी डाल दीजिए, बहुत जरा सी, और 2 चम्मच पानी डालिए। कढ़ाई खूब अच्छी गरम होनी चाहिए, और उसके बाद वो घिसा हुआ पपीता डाल दीजिए और उसको ढंग से चलाइए। नीचे से वो थोड़ा सा लगने लगता है ना, काला काला सा, भूरा भूरा सा हो जाता है, ब्राउन ब्राउन सा। हाँ जी। जब वैसा हो जाए तो उसमें नमक डाल दीजिए और हल्का सा नींबू निचोड़ दीजिए। हाँ जी। और चला के बस बंद कर दीजिए। आपके पास सिरका होता हो तो नींबू की जगह सिरका डाल लीजिए, सिरका नहीं होता है तो नींबू बहुत अच्छा है। और डाल के आप इसे सब्जी की तरह भी खा सकते हैं, पराठे के साथ आप
चटनी की तरह से भी किसी भी तरीके से खा सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। अच्छा टोटल बनने में 7-8 मिनट लगते हैं, लेकिन टेस्टी होता है कमाल का। आपको ये करना है कि जो मैडम ने आपको रेसिपी बताई है ये आपको बना के फोटो भेजनी है, इस ड्रिंक को बगल में ऐसी बनानी है और दो रेसिपी बना के फोटो खींच के भेजनी है आपको मैडम को। क्या बात है, सही में भेजेंगे तो फिर हम उसको हर जगह डालेंगे अपने उसमें। हमें लगेगा कि हमने कुछ सिखाया। तो बढ़िया लगा मैम कि आप भी आए, और भगवान जी थैंक यू। हमारी कोशिश मैम यही रहती है इस पूरे हमारा जो भी उद्देश्य है करने का, कि जो भी दो वर्ग हैं हमारे, चाहे एक शहरों में है या एक गांव में है, तो दोनों में एक ट्रेडिशन है, गांव में अपना ट्रेडिशन है, शहरों में अपना है, लेकिन वो शेयर नहीं होते हैं बिना किसी रुकावट। तो वो प्लेटफॉर्म करने की जहाँ शुरुआत छोटी हो, लेकिन कोई हर किसी कोई एक दूसरे से कुछ शेयर करे, क्योंकि इस लॉकडाउन में यही एक तरीका है और एक लाइटन अप हो जाता है मूड। और ऐसी चीजें वरना नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है कि कोई ऐसी रेसिपी है या ऐसी कोई बेवरेज बन भी सकती है। तो यही है कि मिनिमाइज गैप जो कि हम लोग, और हम लोग तो वैसे भी अर्बन एरिया में रह जरूर रहे हैं, बट अभी हमारी वाली जनरेशन जो है ना ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। अभी तुम लोग मतलब जो ये बीच की जनरेशन, जो हमारे बाद के बाद वाली जनरेशन है, वो थोड़ा सा ट्रेडिशन से दूर है, वो प्योर अर्बन क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके। टेक अवे फॉर यू लगा, और जैसे हमने तुम्हें बताया था कि हमें जो है ट्रेडिशन से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है, तो ये जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जो बड़ी लोकलाइज्ड हैं, वो सीखने को मिली और जड़ी बूटी के बारे में जानने को मिला, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा टेक अवे है। आई बिलीव इन नेचुरोपैथी, तो आई लव दिस, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आपके वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन इज, थैंक यू सागर, थैंक यू फॉर मतलब हमें भगवान जी तक पहुंचाने के लिए। मैम हमारे लिए अच्छा है मैम, अभी तो मैनी मोड टू कम, अभी तो आप इसका अगला सेगमेंट ये रहेगा कि एक दिन आप उनके गांव जाएंगे, इन्हीं की तरह आप कई सारे लोगों से मिलेंगे और आप रूबरू होके मिलिए, और फिर हम वहां पर बना के दिखाएंगे इन्हें अपनी चीजें और इनसे इनकी चीजें सीखेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम।